हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैंने मिट्टू का पिंजरा सुबह जल्दी साफ़ कर दिया। आज सबसे पहले साफ़ सफाई इन लोगों की हुई है, मिट्टू की। ये बड़े मिट्टू, ये छोटा मिट्टू। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने पिंजरा गंदा कर दिया था। और एक बार तो मैंने बड़े वाले मिट्टू के पिंजरा में पूरा अंदर चेंज भी कर दिया, सब कर दिया। उन्होंने पूरा भिगा दिया पानी रखा था, तो उनको खाना रखना बाकी है तो खाना रख देती हूँ। उनके खाने में आज मैं रख रही हूँ, उनके लिए भी वैरायटीज़ होती है हमारे पास। अनार है, एप्पल है, चने की दाल होती है भिगाई हुई, और मिर्ची है। कल जो हमारे खुद के घर से जो फ्रेश अंगूर निकले हुए हैं वो दिए इनको। सब चीज़ें इनके लिए प्रॉपर होती है, तो इनकी प्लेट्स वगैरह अच्छे से धो चुकी हूँ। मिट्टू के लिए तो खाना ऐसे ही रख देती हूँ, बड़ा बड़ा काट के। पर छोटे मिट्टू के लिए तो अब मैं क्या, एक ही बार अभी इनको खाना दूंगी। जाने से पहले चेक कर लूँगी शॉप पे जाने से पहले कि इनके खाना ख़त्म हुआ है ये क्या है, तो वापस रख दूँगी अगर ख़त्म हुआ होगा तो। पर छोटे वाले मिट्टू को तो पूरा पीस के देना पड़ता है, क्योंकि अपने उसके देखा उसकी चोंच नहीं है, चोंच टूट गई है, तो उसको सारा पीस के लिक्विड फॉर्म में बना के रखते हैं, तो वो अच्छे से खा पाता है। उसको चबाने या फिर ऐसे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़े खाने में, इसलिए। तो यहाँ पर एप्पल तो छोटी छोटी मैंने कट कर दी है मिट्टू के लिए। अब एक दो इसमें मिर्चियाँ डाल देती हूँ। अभी सिर्फ बड़े मिट्टू के लिए व्यवस्था हुई है। तो ये मैंगो और ये चिलीज एंड एप्पल, एक बार इनको ये रख देती हूँ। इसमें थोड़ी सी मूंगफली रख दूँगी और इसके जो भी बीज है वो बताती हूँ मैं आपको। खाने को देख के झटपटी, तो ये बीज है वो इनको, यानी मुंह से तोड़ना बहुत अच्छा लगता है। और ये बाजरी भी देते हैं इनको, तो बाजरी भी फिल कर देती हूँ। अब इन भाई साहब के खाना रख देते हैं, ये भी वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए तो थोड़ा सा तरबूज और एप्पल और चने की दाल और ये सब है, तो वो कूट के मैं इसके लिए रेडी कर देती हूँ। और इस टाइप का पेस्ट बना के हम इसको देते हैं ताकि ये अच्छे से खा सके। तो ये छोटे मिट्टू का खाना, मिट्टू का खाना तो मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। हमारे खाने की भी मैंने तैयारी कर ली है, आटा लगा के रख दिया है, मसूर की दाल बॉयल कर दी है, चावल भिगा देती हूँ, और ये थोड़ा अवेद भी देती हूँ। ये मिट्टू का लंच बॉक्स। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, और इधर साइड रख देती हूँ मैं कैमरा ताकि थोड़ा डिस्टर्ब भी ना हो। तो खाना बना रही हूँ, और लहसुन नहीं है तो अभी लहसुन छीलती हूँ। एक बार दाल की मैंने तैयारी कर दी है फ्राई करने की, यहाँ चावल भिगा के रख दिए हैं। लहसुन तो मैंने छील दिया है, पर शॉप से फ़ोन आ गया है, कस्टमर है दीदी, एक बार तो आपको आना ही पड़ेगा, तो एक बार मैं शॉप पर जाके आ जाती हूँ। चिकू को मैंने बोल दिया है, चिकू मुझे लेने के लिए अभी आ रहे हैं, और फ़ोन लेके ही चली जाती हूँ, बाकी कुछ नहीं। और कैमरा तो मेरे साथ ही रहता है। काम हो चुका है और वापस अब घर पे, नाना वगैरह सब बाकी है, घर पे काम भी कितना ड्यू है। शॉप से आने के बाद फर्स्ट काम मैंने किया कि खाना पूरा कम्प्लीटली बना देती हूँ, और फिर मैंने नहा लिया और रेडी होना बाकी है अभी तक मेरा। और ये यहाँ पर मेरा खाना, आज पराठे बनाए हैं मैंने घी के, और ये दाल। पराठे मैंने इसलिए बनाए क्योंकि मैंने अर्ली मॉर्निंग आटा बांध दिया था, तो आटा बहुत ज़्यादा ढीला हो गया था, रोटी बनाने में थोड़ी सी हो रही थी दिक्कत, तो मैंने सोचा पराठे बना देते हैं। और जैसे ही मैं घर, यानी घर पे तो क्या आई थी, आने के बाद देखा तो दो पाड़े आ चुके। तो मैं यहाँ पर बैठ के खाना खा रही हूँ, ये दोनों तो खाना खा के आए हैं, अभी हम तीनों ने साथ में आइसक्रीम तो खा ली है। चिकू उधर ऊपर लंच कर रहे हैं, मैं भी कर लेती हूँ, और यश के थोड़ा काम है, यश काम निपटा के फिर निकल रहा है उदयपुर के लिए। मैं तो कंप्लीट रेडी हो चुकी हूँ, अब चिकू को बुला देती हूँ। और याद आया मेरी वॉच वॉशरूम में ही रह गई है। शॉप पर आ गई हूँ, रोशनी भी गई है उनका लंच करने के लिए, और क्लाइंट्स अभी फ्री हुए अभी रोशनी भी फ्री हुई है क्लाइंट से। और अभी जैसे कि अपॉइंटमेंट्स हैं नेक्स्ट, मेरी जो भी ड्यू है उनको कंप्लीट करती हूँ, कॉल्स कर देती हूँ, भाई मैं आ चुकी हूँ शॉप पे। अभी तो काम चल ही रहा है, जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं उनको फ्री कर ही रहे हैं ये वन बाय वन, और अभी एक अपॉइंटमेंट और है तो उसको निपटा रही हूँ अभी। और अभी इनके हेयर स्ट्रेट करने हैं, क्योंकि इनके हेयर कर लिए तो इनको पसंद नहीं है, पर बहुत जल्दी इनका स्मूथनिंग का वीडियो आने वाला है, इनके बालों में होने वाली स्मूथनिंग, तो फिर इनके बालों से ये खुश हो जाएंगे। हाँ, वो राजी राजी हो जाएगी।
वर्किंग आवर्स हो गए हैं ख़त्म, अब मंगल करने का टाइम आ गया है शॉप को, और कंप्लीट स्विचेस देख लेती हूँ क्योंकि आज लास्ट में मैं जा रही हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। पर्स ले लिया है, सब कुछ कंप्लीट कर दिया है, एसी का स्विच कर देती हूँ ऑफ, बाहर का स्विच ऑन कर दिया है ताकि एकदम अंधेरा नहीं हो जाए। ये यहाँ पर टेशु डॉन आया है तो सब जने खेल रहे हैं। आउट है, आउट है, नाउ आउट नहीं है, विकेट ही गिरी हवा से। ओ तुमने मैच बना है क्या, जा रही हो? अभी नहीं आप थे तब मैन ऑफ द मैच में ही था। बच्चे खेल रहे हैं और इतनी अच्छी हवा चल रही है, अब थोड़ी गर्मी कम पड़ रही है ऐसा लग रहा है धीरे धीरे। नहीं नहीं गाँव में ना आज तो, पर अब मेरे दिन में बाहर रहने का काम पड़ता नहीं है इसलिए सही है। अभी जा रही हूँ थोड़ी देर हिम्मी के घर पे, फिर जाऊँगी घर पे। क्यों चिपकली थोड़ी है पीछे, मैं तो डब्बा पकड़ने के लिए भेजा है मैंने तो आपको, क्या है क्या, मैं अभी तो गई थी। तो मैं आ चुकी हूँ घर पे, खाना बन रहा है पर हल्दी ख़त्म हो गई है, जो सेकंड स्टोरेज होता है ना जो हम लेके आए थे ग्लास के जार उसमें निकला हुआ रहता है, पर अभी उसमें ख़त्म हो गया है तो वो धुल चुका है, तो पति की मदद से हमने निकाल लिया है। क्यों पति, और आज मेरी और चिकू की लड़ाई हो गई क्योंकि मैं घर पे आई लेट। तो चिकू ने बोला मैं जा रहा हूँ होटल खाने के लिए, गुस्से गुस्से हम निकल गए। मैंने बोला मैंने तुम्हारे लिए आटा बांधा ही नहीं है, फिर घर आके बोले मेरे को कोई मिला नहीं मेरे साथ ले जाने वाला। पचके फिर लास्ट में रह के होम स्वीट होम ही काम आया, सिर्फ होम स्वीट होम, तो पचके हो गए। और मैंने पता है इतने खार खार में मैंने आलू की सब्ज़ी बनाना सही समझा, मैं आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी बहुत जलेंगे कि मैंने घर पर क्यों नहीं खाया यूँ करके। तो अभी मैंने आलू फ्राई किए हैं और आटा भी लगा दिया है, वैसे से करके निकल रहे आपको नहीं दिखा रही बस, ओके बाय। तो अभी आलू की सब्ज़ी फ्राई करी है, तो हल्दी ख़त्म हो गई थी तो हल्दी फिर अंदर से निकालनी थी। तो ये हमारी हल्दी जो कि अभी हमने भरी है मम्मी और दोनों ने, तो हल्दी अभी मैं एक ग्लास के जार में निकाल रही हूँ जो हम ये लेके आए थे। बहुत सही लगते हैं मुझे, पर बहुत हैवी होते हैं ये है। पकड़ने में कभी एकदम फटाफट से, जो फटाफट एकदम जल्दी में रहता है वो नहीं कर सकता काम इनके साथ क्योंकि फूटने का डर रहता है। तो हल्दी अभी इसमें ट्रांसफ़र करूँगी, फिर इस मसाले में जाएगी और चार स्टेप लगेगी हल्दी को चार। ये हमारा खाना, सब्जी देख सकते हो कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, सिर्फ राई जीरे का बघार और कोरा कोरा मसाला, बाकी मैं मसाला इकट्ठा किया हुआ डालती हूँ इसके अंदर, पर इसके अंदर कोरा ही मसाला अच्छा लगता है। और आज बेडशीट भी मैंने सुबह निकाली, आज क्या एक्चुअली मैं थोड़ी सी बिजी थी तो भाई जी को बोला कि आप बेडशीट निकाल दो, फिर मैं हेल्प करने भी आई। इतने में इन्होंने एसी का रिमोट कहाँ रख दिया क्या पता, यानी मैं खाना बनाने में आधा घंटा इसलिए लेटी हुई हूँ, पूरे रूम में मैं एसी का रिमोट ही ढूंढ रही हूँ, दिखा कहाँ लास्ट में रखे चिकू के कपड़ों के पास में, जाके मैंने चेक ही नहीं किया था, पूरा रूम चेक कर लिया। और अभी यहाँ पर मैं कर लेती हूँ मेरा खाना, थक भी गई हूँ आज मैं, और मैं साथ में कर देती हूँ ब्लॉग का एंड। अगर ब्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय।